और 360 के कम होता है। तो वो आप स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के लिए ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इस टाइम हम आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 3 एंगल्स है तो हम उसी की बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने एंगल्स को सिर्फ देखा है कैसे बने होते हैं, उनकी कैसी शेप होती है या उनकी क्या क्वालिटी होती है। आज हम सीखेंगे उसमें कि हम एंगल्स कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको कोई ये कह दे कि आप कोई भी एक्यूट एंगल बनाइए, तो आप उसे कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एंगल्स मेजर्स करने के लिए एक प्रोटेक्टर की आवश्यकता होती है, तो आज वो प्रोटेक्टर से हम एंगल कैसे मेजर्स करते हैं, उस प्रोटेक्टर से हम एंगल कैसे बनाते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है प्रोटेक्टर। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, ये है प्रोटेक्टर आपका। इस प्रोटेक्टर में आप देखेंगे कि ये जीरो से लेकर, जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपका, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। तो ये देखिए बिल्कुल सामने तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री, तो वो बिल्कुल सीधा हो गया, जैसे आप लोगों ने उसकी शेप भी देखी है। अब बात करते हैं 90 से कम। 90 से कम के एंगल आप लोगों को अच्छी तरह पता है एक्यूट एंगल होते हैं। तो आपकी आपकी चॉइस है, अगर आप एक्यूट एंगल ऊपर लिखे हुए इनसे, ऊपर लिखे हुए अपने नंबर से, अपने डिजिट से अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो भी एक्यूट एंगल है। आप चाहें तो नीचे लिखी हुई डिजिट से भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं। इस तरह से यही सेम है आपका ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से अबव होते हैं, तो अगर आपको चाहें तो आप ऑब्ट्यूस एंगल ऊपर वाले नंबर से ही बना सकते हैं, और चाहें तो नीचे वाले नंबर से ही बना सकते हैं। मैं आज आप लोगों को सिर्फ ऊपर वाले नंबर से ही बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम ऊपर वाले नंबर से एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं। अब देखिए, अब ये देखिए, मैंने इसमें रजिस्टर मैंने ले रखा है, मैंने इसमें एक कोई भी एक एंगल ड्रॉ करा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक इसका वर्टेक्स होता है जो दो लाइनों को जोड़ता है। ठीक है, तो अगर हमें ये एंगल मेजर्स करना होगा तो ये एंगल कितने का है, तो हम इस पे यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। बिल्कुल प्रोटेक्टर आपको पॉइंट पे रखना है, जो आपकी बीच वाली लाइन, आप ध्यान से देखिए, ये बीच की जो लाइन है वो आपके पॉइंट पर आनी चाहिए, वर्टेक्स पर आनी चाहिए। देखिए वर्टेक्स पर आ रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये लाइन किधर जा रही है। ये लाइन देखिए, ये लाइन जा रही है आपकी इस तरफ से। तो ये एंगल हम नीचे से बनाते हैं, नीचे वाले नंबर से बनाते हैं, तो नीचे क्या लिखा है 50। तो ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री का। इसे हम ऐसे शो करके यहाँ 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एक शेप और बनाई है। आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको डी में जो भी एंगल बनाना है वो आपको नीचे के उससे बनाना है, ऊपर के नंबर आप नहीं देखेंगे, नीचे के नंबर देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी शेप मैंने एक और बनाई है, अब हम इसे मेज़र करते हैं। तो वही मैंने वर्टेक्स के पॉइंट पे आपको 90 का लिखना है, बिल्कुल सेम। अब ये देखिए ये किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इसे देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये 110 और 120 के बीच में है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल बीच में है इस पॉइंट पे। तो 110 और 120 के बीच की काउंटिंग में क्या आता है आपका 115। तो ये एंगल हो गया 115 डिग्री का। देखिए आपको कभी एंगल ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फिक्स्ड बनाने हो, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये आप देखिए प्रोटेक्टर की इस शेप में, आप देखिए कि ये बीच में जो इनके गैप है, ये बीच में जो इनकी लाइनिंग है, तो ये देखिए इनके बीच में 10 डंडे हैं। 1, जैसे आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपके 10 जो काउंटिंग है, क्योंकि हम नीचे के नंबर से एंगल बनाएंगे, तो ये 70 और 80 के बीच की काउंटिंग है। मीन्स ये 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो 75 का अगर कोई आपको एंगल बनाने के लिए कहता है तो आप इस वाले को यूज़ करेंगे। अब हम आपको, चलो ये 75 से स्टार्ट करते हैं कि एंगल कैसे बनाते हैं। देखिए पहले आप इसको इस तरह से रखेंगे, अगर मान लीजिए आपको बनाना है 75 डिग्री का एंगल, आप इसे इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल नीचे आप सीधे जाएंगे स्ट्रेट लाइन पे, वहाँ पे एक आप पॉइंट लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे। ये डॉट ही आपका वर्टेक्स कहलाएगा जिससे आप एक अपना एंगल बनाना चाह रहे हैं। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इससे एक सीधी लाइन, अपना स्केल लेके एक सीधी लाइन, ज़्यादा लंबी ना खींच के, छोटी लाइन खींचिए, एक छोटी रे बना सकते हैं इस तरह से आप। ठीक है,
उसके बाद हमें आपको बनाना है 75 डिग्री का एंगल। वही मैंने आप लोगों को बताया कि आप नीचे के नंबर देखेंगे, ऊपर के नंबर आप नहीं देखेंगे। तो ये देखिए 70 के बाद आपको बनाना है 75 का। तो अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि 75 तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपके बीच के 10 डंडे हैं तो आपको इन्हें ही मानना है। मान लीजिए आपको 75 को बनाना है, तो देखिए ये 71, 72, 73, 74 एंड 75। तो आप इस सीधी लाइन में ऐसे डॉट लगा देंगे, उसके ऊपर आप ऐसे करते हुए इस तरह से डॉट लगा, और आप इस डॉट को अपने स्केल से मिला देंगे, और आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से बना के 75 डिग्री का एंगल। ये देखिए अगर आप इसे मेज़र करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल 75 डिग्री का एक एंगल तैयार है आप लोगों के लिए। ये तो हुआ एक्यूट एंगल, ये आपने एक्यूट एंगल बनाना सीखा। चलिए आपको एक राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल तो जैसा आप लोगों को सभी पता है 90 डिग्री का होता है इसे। तो देखिए राइट एंगल के लिए हम क्या करेंगे, पहले वही सीधी लाइन में एक डॉट, उसे हम स्केल से, आप डी से भी लाइन खींच सकते हैं, हम स्केल से भी खींच सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। 90 डिग्री का बनाना है तो बिल्कुल देखिए सीधे जाएंगे, बिल्कुल 90 करेंगे यहाँ से 90 डिग्री, और आप बिल्कुल एक ये सीधी रेखा खींच देंगे, तो ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो वो था 90 से कम था, इसलिए ये था एक एक्यूट एंगल, और ये आप लोगों का 90 है। तो इस तरह से ये आपका है एक राइट एंगल। इसी तरह से हम एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाएंगे। देखिए 90 और 100 के बीच में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 है, ठीक है। इस तरह से चलिए हम एंगल बनाते हैं 105 का, मैं आप लोगों को एंगल सिखा देती हूँ। चलिए 107 का बनाते हैं, 107 का हम एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसी सीधी लाइन में एक डॉट, उस डॉट से आप एक लाइन खींचेंगे अपने स्केल से, लाइन आप कोशिश करिए स्केल से ही खींचेगा, ये देखिए। और 107 लेने के लिए आपको पता ही है अच्छी तरह से कि हम 100 के बाद ऊपर वाली लाइनिंग में जाएंगे, ये हमारी आगे की काउंटिंग है। तो ये 101, 102, 103, 104, 105, 106 एंड 107, ये 107 आपका एक एंगल हो गया 107 का। जब आप इसे मिलाएंगे, बनाएंगे और आप इसे मेज़र करेंगे तो ये 107 का एक एंगल आप लोगों के लिए तैयार है। इसी तरह से मैं आप लोगों को आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ एंगल दूंगी बनाने को, आप वो ड्रॉ करना। आपको कोई इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक एंगल दिए जाएंगे। अब हमने एंगल शेप्स एंड एंगल का चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और शेप्स एंड एंगल्स का हमारा चैप्टर ये पूरा हो चुका है। अब सिर्फ आपको सिर्फ इसमें एंगल बनाना सीखना है, और एंगल को कैसे मेजर्स करते हैं वो सीखना है। तो वो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको समझा दिया है। आपको कोई डाउट होगा आप अपनी ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे, और नेक्स्ट मैं आपको यही काम दूंगी कि आपको एंगल्स बनाने के लिए दूंगी, तो वो आपको बनाने होंगे। उसके बाद हम ये आगे नेक्स्ट अपने आगे चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ आएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।